अज सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे दर्शन वास्ते प्रतीक पाटिल बब्बर पहुंचे हुए ने, जेडे कि अभिनेता राज बब्बर दे बेटे ने। गलबात कर लेने हैं प्रतीक जी, आज यहाँ आने का क्या खास मकसद रहा है जी? आशीर्वाद लेने आए हैं दरबार साहब की जी, दरबार साहब का आशीर्वाद लेने आए हैं। हमारी फिल्म शुरू हो रही है, बहुत ही कैसे समझाऊँ मैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है इतिहास के लिए। ये इतिहास की सच्चाई है। ये फिल्म महाराजा रंजीत सिंह की पोती सुफाया दुलीप सिंह की कहानी है। ये महाराजा दुलीप सिंह की बेटी रानी सुफाया दुलीप सिंह, उनकी कहानी है इस फिल्म में। मैं पहली बार सिख का किरदार निभा रहा हूँ सर, तो बाल लंबे किए हैं, लंबे किए, और इसलिए आशीर्वाद मांगने आए यहाँ पे दरबार साहब। कब फिल्म की शूटिंग कब हो रही है, कहाँ कहाँ पे होनी है शूटिंग, इसके बारे में? इस फिल्म की शूटिंग इस साल के अंत में होगी, सितंबर अक्टूबर नवंबर बोला है। ये शूट इंडिया में होगा, एक भाग पंजाब में होगा, एक भाग लंदन में होगा, लंदन इंग्लैंड में होगा। इसमें सारा इतिहास बताया जाएगा जो महाराजा रंजीत सिंह का, उनकी जो आप बेटी बोल रहे हैं पोती जी, पोती महाराजा रंजीत सिंह की पोती, महाराजा दिलीप सिंह की बेटी, उनके बारे में है ये। इतिहास का पीस है सर, 1890 से शुरू होती है ये और 1920 तक जाती है ये कहानी। इस कहानी के दो भाग हैं, एक इतिहास का भाग है और एक 1990s की कहानी है। 1990s की कहानी में मैं हूँ और अदिति राव हैदरी हैं, और जो इतिहास की कहानी है उनमें ब्रिटिश पंजाबी एक्ट्रेस हैं पेज संधू, वो रोल निभाएंगे प्रिंसेस सुफाया जी का। अमूमन देखा जाता है जब मूवी रिलीज होने वाली होती है तब सचखंड श्री मंदिर साहब में आकर माथा टेकते हैं, टीम हो या कोई भी स्टार्स हो। तो अभी आपने फिल्म शुरू करनी है तो क्या बाबा जी से क्या मांगे हैं जी? बस तरक्की मांगी है मेरे लिए, मेरे चाहने वालों के लिए, मेरे फैमिली के लिए, जितने लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, जितने लोगों का मैं ख्याल रखता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, उन सब के लिए मैंने आशीर्वाद मांगे हैं, खुशी मांगी है, और हमारी खूब तरक्की हो, और फिल्म के लिए भी बहुत दुआएं मांगे हैं कि अच्छी फिल्म जाए। और इस पहली बार मैं सिख का किरदार निभा रहा हूँ, उसके लिए वाहेगुरु जी की का आशीर्वाद, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें, बस फिल्म के लिए मांगा है। और जी जी, हिंदी बोल रहे हैं या पंजाबी भाषा का इस्तेमाल किया गया? दोनों है जी, पंजाबी और हिंदी दोनों। तो पंजाबी सीखनी पड़ी फिर? जी बिल्कुल सीखनी पड़ी, सीख रहे हैं अभी। जी हाँ जी, तो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है, क्या कभी मौका मिलेगा तो पंजाबी फिल्म में काम करने का? जी सवाल ही नहीं है सर, मेरे पापा ठेठ पंजाबी हैं और बहुत पंजाबी फिल्में कर चुके हैं। मेरे भाई भी अभी भी पंजाबी फिल्म करते हैं, आर्य जी, अब तक वैसे ऑफर आए नहीं है, लेकिन बिल्कुल करेंगे। हमारा ये हमारे क्या बोलते हैं, रूट्स को क्या बोलते हैं, जड़े, हमारी जड़ें हैं सर। हम हमारा जो सरनेम है बब्बर, वो महाराजा रंजीत सिंह ने दिया गया है, उन्होंने हमें टाइटल की तरह एक ऑनर की तरह दिया गया है, तो हम बिल्कुल हम बहुत मानते हैं जी सर। पापा के साथ कुछ चर्चाएं रहती हैं कि बॉन्डिंग अच्छी नहीं चलती प्रतीक की? नहीं सर, ये सब होते रहता है सबकी, पापाओं के साथ और माँ पापा के साथ सबका झगड़ा होते रहता है, और आई नो ये नहीं ये कुछ नहीं है सर, ये होते रहता है, ये अब सब बढ़िया है। हम पापा का आशीर्वाद है, मेरे पापा का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, इस फिल्म के ऊपर। और अभी बस कुछ एक हफ्ते पहले
मेरे नाम में मेरी मेरी माँ का मेरी माँ का नाम अब मैं इस्तेमाल करना शुरू किया मैंने, प्रतीक पाटिल बब्बर। तो मेरे पापा के आशीर्वाद से ही ये हमने डिसीजन ली है, पापा के आशीर्वाद से और पूरी फैमिली के आशीर्वाद से। मेरी कुछ टिप्स देने चाहेंगे जो अभी नौजवान पीढ़ी है जो फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती है, उनके लिए कुछ खास टिप्स देने चाहेंगे? मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत, कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई 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 ऐसा कोई अलग तरीका नहीं होता है, यू नो बिल्कुल कोई अलग तरीका नहीं होता है, सिर्फ मेहनत, मेहनत से ही आगे बढ़ते हैं, मेहनत से ही नाम कमाते हैं, मेहनत से ही सब कुछ होता है। और सच्ची मेहनत, ऐसे मतलब दिल से मेहनत करनी पड़ती है और अपने काम को प्यार करना पड़ता है। और जी बस प्यार से काम करो, दिल से मेहनत करो, सफलता कदम चूमेगी। बिल्कुल 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 जी, अपने काम नाल प्यार करो ते काम नाल पूरी तरह जिहड़ा कि संजीदगी नाल मेहनत करो तो सफलता कामयाबी जिहड़ी कि वह कदम चुभदी है। प्रतीक पाटिल बब्बर जिहड़े कि एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, उस तो पहले सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे नतमस्तक होने वास्ते पहुंचे थे, कितने दैनिक सवेरा नाल खास गलबात भी उन्होंने वालों की गई है। कैमरा परसन विपिन शर्मा, सिकंदर पसरीचा, दैनिक सवेरा टीवी, अमृतसर।